खबरों के सिलसिले को आगे बढ़ाएंगे और अब आपको बताएंगे, न्यूट्रल्स ने चीफ इलेक्शन कमिश्नर के न्यूट्रल रहने की गारंटी दे दी। हम सिकंदर सुल्तान राजा को जानते भी नहीं थे। चेयरमैन पीटीआई इमरान खान का कहना था कि इलेक्शन कमीशन इम्पोर्टेड हुकूमत के साथ साथ साजिश में मुलव्वस है। मुस्लिम लीग नून की फंडिंग सामने नहीं ला रहा। चीफ इलेक्शन कमिश्नर के खिलाफ सुप्रीम जुडिशियल काउंसिल जाएंगे क्या? शहबाज शरीफ और आसिफ जरदारी की वजह से मुल्क तबाह होने दें? जुए के पैसे से इलेक्शन और लोगों को खरीदा जा रहा है। करप्ट हुक्मरान टोले की वजह से मुल्क की सलामती को खतरा लाहक हो गया। एहकाना रिपोर्ट मैंने नहीं देखी। पहले तो सोचे, दो रिपोर्ट्स बनाई इन्होंने, एक रिपोर्ट किसी की फरमाइश में ऐड की जिसमें इन्होंने कहा कि पीटीआई फॉरेन फंडेड है। कोई भी कानून हमने नहीं तोड़ा इसमें, फॉरेन, ये फॉरेन फंडिंग है ही नहीं। हम बताएंगे कि हमने कैसे इकट्ठा किया। ये दो पार्टीज भी तो बताएं कि इन्होंने पैसा इकट्ठा किया कैसे। सुप्रीम जुडिशियल काउंसिल में इसके खिलाफ जाएंगे, इस इलेक्शन कमिश्नर के खिलाफ। जैसे ही वो इलेक्शन की डेट दे दे और असेंबली डिसॉल्व करने का टाइम दे दे, हम सब बातचीत करने के लिए तैयार हैं। ईसीएल पे मेरा डाम डालेंगे तो मैं इनका शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ, क्योंकि मैं कहीं बाहर जाना ही नहीं चाहता। ये अगले इलेक्शंस तक इन दोनों पार्टीज की फंडिंग नहीं सामने लेके आएगा। ये इलेक्शन कमीशन जो इनके साथ पूरी तरह मुलव्वस है साजिश में, ये इसको मैं साजिश कहता हूँ। एक तो थी ना वो बैरूनी साजिश, ये एक और साजिश है। वो पूरी तरह इसके अंदर मुलव्वस है ये जो सिकंदर सुल्तान है। न्यूट्रल्स ने अप्रोच किया हमें, उन्होंने इसका सिकंदर सुल्तान का नाम दिया। मैं तो इसको जानता ही नहीं था। इतनी बड़ी हमने हिमाकत की कि हमने मान के इस आदमी को रख लिया। चौथे नंबर पे दुनिया में पाकिस्तान आ गया, जो मुल्क डिफॉल्ट करने जा रहा है, दिवालिया निकलने जा रहा है। वो लोग जिनके पास इख्तियारात है और पावर है न्यूट्रल्स के पास, क्या उनको नहीं नजर आ रहा कि मुल्क के साथ क्या हो रहा है? नून लीग वाले बड़े घबराए हुए थे कि जी इलेक्शन कमीशन के बारे में हम पुरअमन एहतजाज कर रहे हैं, रेड जोन में हम बिल्कुल नहीं आ रहे। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।